अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी लड़का फिर आपके सामने हाजिर है। यार अब ना 2-3 दिन से बड़ी तबीयत ख़राब थी। ये चेहरा दिख रहा होगा आपको कि कितना मुरझा गया है मासूम बच्चे का चेहरा। तो परसों शायद ड्रिप भी लगी थी मुझे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर लें, वहाँ पे जो है डेली अपडेट होती है। तो आज जो है यार वो अपना मेरे कज़न की मायू है, पप्पी की लड़की और मामू का बेटा, तो वहाँ भी जाना है और इत्तेफाक से एक शो भी है तो वहाँ एंट्री भी ज़रूरी है। तो चलें, अभी जो है अपना फैज़ान आ रहा है, उससे काम है तो उससे मिलता हूँ, फिर उसके बाद जो है आराम करेंगे, फिर रात में बात करेंगे। तो चलें वेट करें, फिर मिलते हैं। हाँ जी, तो मैं अपना जो हूँ आ गया मायू में, क्योंकि मैं कामों में फंसा हुआ था, ब्लॉग नहीं कर पाया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। ये मेरे पीछे दिख रहा होगा और ये अशाम भाई भी दिख रहे होंगे। ये खाली खाली वीडियो में यूँ मुंह बना देते हैं। तो चले, अरे सॉरी मैं भूल गया, बिलाल भाई हमारे पाव भाजी में भी ये साथ थे। इनकी बिल्डिंग में भूत था, ये जब भी मुझे नीचे छोड़ने आए थे। और अभी जो है मैं आते के साथ ही खाने बैठ गया, तो अब मैं पहले खाना खा लूँ, फिर उसके बाद फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट लड़का फिर आपके सामने हाजिर है। यार कल का व्लॉग जो है वो आधा किया था और अपना फिर कुछ मसरूफियात थी और थकन भी हो रही थी तो सो गए थे। तो अब थोड़ा फ्रेश हुए, उठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है। तो अब जो है अपना आज कंटिन्यू करेंगे व्लॉग। कल जो थी वो मायू थी और आज जो है मुबीन काजी मेरे कज़न जो है मामू के बेटे, उनका निकाह है आज। तो अभी जो है मैं उन्हीं के नए पलंग पे मैं लेटा हुआ हूँ। ये आप देख रहे हैं नया नया पलंग, एक नई फील अलग ही आती है नई चीज़ों में। तो चलें, अभी तैयारी हो रही है, सारे तैयार हो रहे हैं। तो ये कमरा खाली था तो मैंने सोचा यहाँ से स्टार्ट कर लूँ। तो चलें अब चलते हैं मस्जिद में, फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। अभी जो है सेहरा वगैरह बांधेंगे तो उसके भी शॉर्ट ले लूँ मैं, क्योंकि यार फैमिली होगी अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा कतराता हूँ। तो अभी देखते हैं फिर क्या समाचार है, फिर बात करते हैं। तो वेट कीजिए। हाँ जी, तो हमारी जो गाय है वो भाग गई थी और ये मीरपुर से हमने एक्सपर्ट बुलवाए, ये रहे। तो ये अब गाय पकड़ेंगे और ये रही गाय, ये पीछे आप देख रहे हैं ये गाय खड़ी हुई, अब इसको पकड़ने आए हुए हमारे घर के पास से, बाकी यहाँ आ गई। तो ये मेरे को ये एक्सपर्ट देख रहे हैं आप, इतने सारे एक्सपर्ट, मे भी एक्सपर्ट है सारे, ये पकड़ने आए हुए ये हम सारे कैसे आए भाई। तो चले अभी गाय पकड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बड़ी शिद्दतें कर रहे हैं और ये मुश्तूबा भाई डायरेक्शन है दिए जा रहे हैं। और ये आप पीछे देख सकते हैं गाय को किस तरीके से ले जाया जा रहा है, चल नहीं रही है ये।
और अभी चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये पहुंच जाए, पर अब क्या कह रहे हैं तो अभी आपको दिखाते हैं हम सीन क्या चल रहा है। और ये देख रहे हैं आप फैजान काजी गाड़ी चला रहे हैं और बेचारा कितनी स्लो स्लो चला रहा है, आप ये देखें खाली हम लोग इससे आगे निकलने, ये देखें वो फैजान काजी गाड़ी चला रहा है। फैजान भाई कुछ कहना चाहेंगे? भाई बहुत स्लो स्लो चलिए, मैं तो थक चुका हूँ और गाय हमारी भाग रही थी इस वजह से हमको ना गाड़ी में बांधनी पड़ी। हाँ भाई तो अब चले से हम पहुँच जाए। हाँ हाँ तो फिर वहाँ के शॉर्ट करते हैं। हाँ जी तो अपना जो है गाय पकड़ के ले आए थे और अभी ऊपर आ गए, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, मौत वगैरह तो है यार, फ्रेश हो जाए थोड़ा। तो अभी ये कि एक काम है और तो फैजान खाना खा रहा है, उसके बाद फिर हम चलते हैं, फिर बात करते हैं तो समाचार देखते हैं क्या है, क्योंकि अब दिन जो है वो ढलना स्टार्ट हो गया है। तो चलें फिर बात करते हैं। हाँ जी तो फिर आज जो है वो तीसरा दिन शुरू हो गया है और व्लॉग मेरा चल रहा है कंटिन्यू। और क्या कहते हैं आप, मैं यार सुबह से काम में बिजी था, मैं व्लॉग नहीं कर पाया, अब हॉल के अंदर मैं आया हूँ, अब तैयार होकर मैं अब आया हूँ, तो अब जो है मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ फिर कंटिन्यू। और मैं सोच रहा हूँ कि अब कल वली में का करने के बाद जो है मैं वो एक साथ ही पूरा अपलोड करूँ, अब 15 मिनट 20 मिनट का जो भी बनेगा। तो अब चलें और ये आसिफ नवाज़ भी आए मुफ्ता मारने। हाँ भाई मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने बोला यार समीर भाई कहा, उन्होंने बोला भाई कज़न की बारात है आ जाओ, मैंने कहा चलो भाई खाना खा ले, तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी आया, ये आसिफ भाई है यार, ठीक है। तो यार अभी चलें आपको दिखाते हैं माहौल दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। हाँ जी तो मैंने खाना वाना खा लिया, काम वाम में लगे हुए थे, खाना वाना खिला रहे थे, क्योंकि यार फुप्पी की बेटी है, मामू का बेटा है, तो उनके काम हमें ही देखने थे। और अभी खाना वाना खा लिया है तो अभी ये बर्तन भी उठा रहे हैं हम लोग हाथ के यार। तो चलें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये फुरकान भाई खाना खाने बैठ गए, तो ये फुरकान भाई खाना खा रहे हैं और ये सेल्फी चल रही है, ये देखें अब ये सेल्फियाँ चल रही है और ये मुक्ता मार के जा रहे हैं। हाँ यार तो चलें अब जो है यहाँ से रुक जाती है होने का टाइम, फिर घर जाके बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या बात करनी है, तो वेट करें। हाँ जी तो आज जो है वो चौथा दिन शुरू हो गया है और आज वलीमा है, और वो यार कल मैं अपना बिजी हो गया था, फिर मोबाइल ऑफ हो गया चार्जर के वहाँ पे, तुम्हें पता है कि शादी वाले घर में बड़े मसले होते हैं। तो चले अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है, अब मैं घर पे आया हूँ आज और अभी मैं तैयार हुआ, क्योंकि मैं यार आते ही सो गया था थोड़ा। और ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये अभी कपड़े वगैरह मैंने निकाले हैं, अब मैं बस तैयार हो रहा हूँ और फिर निकलते हैं, फिर वलीमे में जाके बात करते हैं आपसे, तो फिर वेट कीजिए वलीमे में मिलते हैं। हाँ जी तो मैं आपका जो हूँ वलीमे में आ गया और ये बिलावल काजी, हाँ हाँ, और खाना चल रहा है, अभी खाने में बैठ गया हूँ और अब खाना खाते हैं उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि खाने में नज़र लग जाएगी, तो चले फिर बात करते हैं।
हाँ जी, तो ये पीछे दूल्हे राजा दोस्तों में मिलने आए हुए, और ये खाना चल रहा है, और ये लेट लतीफ़ अब आए, ये सारे ये देख रहे हैं आप, ये सारे अब लेट लतीफ़ है, और अभी ये खाना खा रहे हैं, मैंने खा रही है, अब बोतल आ रही है, अब बोतल पियेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या समाचार है, तो चलें फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो अपना शादी जो है वो ख़त्म हो गई है, और मैं अपने घर आ गया, थोड़ी तबीयत सही नहीं है यार, बुखार हो रहा है, और सर्दी थी बाहर, तो ये देख रहे मैं डायरेक्ट आते ही अपना जो हूँ वो लेट गया, और दुआ कीजिएगा यार, थोड़ी तबीयत जो है वो ख़राब है, सही हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अभी जो है वो अपना ड्रिप वगैरह भी बीच में लगी थी मुझे, तो बस यही था यार एक व्लॉग, चार दिन का व्लॉग एक साथ किया है, तो चले अच्छा लगा हो, पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।